बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक होकर और आज सुबह सुबह मैं हाजिर हूं आपके सामने। मैंने सोचा आज एक छोटा सा व्लॉग बना लिया जाए सुबह सादिक का। तो अभी नमाज से फारिग हुए हैं, नमाज से फारिग होने के बाद जहन में आ गया तो ऊपर ये परिंदे हैं अंदर, तो मैंने सोचा इनको भी खोल दिया जाए। नजर आ रहा होगा आपको, ये सुबह सुबह मंदिर सुबह सन्नाटा और बहुत ही सुकून है। पब्लिक अभी उठी नहीं है और सूरज भी अभी जाहिर नहीं हुआ है। बादलों में से हल्की हल्की लाली नज़र आ रही है, यानी कि सूरज की किरणें अभी फूट रही हैं। तो ये हमारे मोहल्ले का मंजर है। सुबह का वक्त है और कितना सन्नाटा और कितना सुकून है इस टाइम, क्योंकि अभी हज़रत इंसान नींद की आगोश में ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहा है और कुछ लोग नमाज पढ़ के उठे हैं, कामों पे निकलने के लिए तैयारियों में लगे हुए हैं। तो इस टाइम बाहर रश नहीं है, तो बाहर बड़ा सन्नाटा है, बड़ा सुकून है। तो मैंने सोचा कि आपको आज का विज़िट कराया जाए। ये कराची एयरपोर्ट पर उतरने, जिनर एयरपोर्ट पर उतरने के लिए जहाज़ नज़र आ रहा है आपको। आज अपनी घर की छत के ऊपर हूँ, टाइम सुबह ही सुबह, तो सुबह सुबह बाहर जाना खतरनाक है। मैं आपको, ये है हमारा सूरज निकलने वाली मशरिक साइड, हम देख लें रोशनी है, रोशनी है, लेकिन सूरज अभी कहीं नज़र नहीं आ रहा है। तो
एक सूरज के निकलने का मंजर आप देख रहे हैं। सूरज के निकलने का खूबसूरत मंदिर और सूरज इस टाइम जाहिर हो चुका है। ये नीचे स्कूल ग्राउंड है और स्कूल ग्राउंड के ऊपर से आबादी के ऊपर आपको सूरज निकलता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत खूबसूरत बंदर है, बादलों की ओट में छुपा सूरज आज निकल रहा है और हम आपको ये मंदिर लाइव दिखा सकते थे, मगर ये चंद लम्हात की बात होती है। इतनी देर में हम अगर लाइव का इंतज़ाम करें तो ये टाइम निकल जाएगा। तो इस टाइम ये नीचे हीरोइन जियो का एक टोला निकला है जो स्कूल ग्राउंड के अंदर कोई काम कर रहा होगा, अपना ज़रूरी कोई चोरी कर रहा होगा। तो ये अब चार बंदे निकले हैं, क्या किया है इन्होंने। बहरहाल नीचे ये चार चांद हैं और ऊपर सूरज चमक रहा है। बाबा निकल रहे हैं और हम इनके नज़ारे रिकॉर्ड करते हुए सवेरे का ये मंदिर है। सामने मदीना मस्जिद का मीनार आपको नज़र आ रहा है। बादलों के कोट में है, इसलिए ये बादलों का खूबसूरत मंजर है। छत्ते से सुबह सवेरे सूरज निकलने का नज़ारा किया है। ये परिंदे भी जाग चुके हैं। मगर बादलों के पीछे छुपा हुआ है बारिश। सुबह का ये खूबसूरत मंजर आप जरूर देखें। तो ये आज का ये व्लॉग मेरा पहला व्लॉग है और ये व्लॉग कैसा लगेगा आपको अपने कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा, ताकि मैं ट्रैवल वीडियो के साथ साथ व्लॉगिंग की भी वीडियोस बना सकूं। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो हौसला अगर मिला तो इंशाल्लाह व्लॉगिंग भी करेंगे। तो एक दफ़ा सूरज अगर आ जाए तो फिर उसके बाद
छोटा सा केज है, चीजें रखी हुई हैं फिलहाल। ये है आपका जो ब्लॉग है, ये कैसा आपको लगा ये आप जरूर बताइएगा, ताकि मैं आइंदा कोशिश करूँ और इससे बेहतर ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँ। तो मेरे लिए कोई चीज़ नई नहीं है, तो लेकिन फिर भी जो है सब्सक्राइबर जब हौसला देते हैं तो उसमें बहुत खुशी होती है और काम करने का मजा भी आता है। सूरज आज का व्लॉग, एक तरफ सूरज है और एक तरफ चांद। आप बताइए आपको कौन सा चांद, आपको चांद अच्छा लग रहा है या सूरज अच्छा लग रहा है। ये आज के सुबह जो फोटो है, तो इंशाल्लाह आप आगे भी मुख्तलिफ ब्लॉग देखेंगे और मैं बहुत कोशिश करूँगा, तो कोशिश करके आपको ये ब्लॉग दिखा सकूँ। तो अब इसके साथ ही जो है मैं नीचे चलता हूँ और नीचे नाश्ते को देखता हूँ, क्योंकि पेट अब कहता है कि कुछ चाहिए, तो नीचे भी जाने चलते हैं। ये ऊपर रॉकेट के छोड़े हुए धुएं का मंजर है, है मेरे घर का मंजर। तो अब हम नीचे की जानिब जा रहे हैं और सामने तो सुबह शादी की चाय तैयार हो गई है और अब हम चाय पियेंगे। तो आप ही हमारे साथ तस्वीर बनाएं और वहाँ तक चाय नोट करवाएं। परिंदे भी अपना नाश्ता, ये गली है जो सुबह सुबह सन्नाटे में है। तो अब मैं नीचे आ चुका हूँ।
के लिए मैं नीचे आ गया। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, और जो दोस्त नए हैं मेरे चैनल पे